गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ पर्पल से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। तो गाइस इस बार मैंने लिपस्टिक ट्राई की है तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली थी। लाइक आपको बॉक्स देख के पता लग गया होगा कि ये होल कितना टीनी मिनी सा होने वाला है। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे मेरे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे एंड यस गाइस मैं इसे ओपन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स इस तरह से बबल रैप मिले थे। देन इसके बाद अब की बार मैंने मंगाई है मिस्ट्रोस फ्रेंड की ये 2-in-1 लिपस्टिक। लाइक मेरा काफ़ी टाइम से मन था और इसमें मैंने इतनी प्यारी प्यारी शेड्स मंगाई हैं कि आपको भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ ये मुझे रिसीव हुई है। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। तो इसमें लिखा है मिस्ट्रोस प्रोफेशनल मेकअप हाई पिगमेंट। तो इसमें हमें 2-in-1 ये कैसी है तो गाइस इसमें हमें लिप लाइनर भी मिलता है प्लस लिपस्टिक भी मिलती है। और बाकी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 25/2/2018। एक्सपायरी डेट है 24/2/2021। एंड गाइस इसके पीछे लिखा हुआ है लाइक जो भी इसमें लिप लाइनर और लिपस्टिक के लिए इंग्रेडिएंट यूज कर रखे हैं। और यहाँ पर बैक पे इसके मेंशन है लिपस्टिक में और लिप लाइनर में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज कर रखे हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। देन इसके बाद इसे ओपन करके जल्दी से देख लेते हैं। देन बैक साइड पे यहाँ पर आपको इसकी शेड मिल जाएगी। तो मैंने इसमें 4 शेड्स मंगाई है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें मैंने शेड मंगाई है 02, 04, 08 एंड लास्ट है 39। तो मैंने 4 शेड्स मंगाई है। लाइक पूरा मैंने डिसाइड किया था कि ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी एंड गाइस ये 2.1 ग्राम का प्रोडक्ट है। तो अब जल्दी से इन्हें ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से आती है। तो यहाँ पर पैकेजिंग में आपको एक और फायदा मिल रहा है, लिप शेड मेंशन है कि क्या नंबर है लिप शेड का, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कलर भी मिल जाएगा। तो इस तरह के पैकेजिंग के साथ ही हमें रिसीव होती है। सो कुछ इस तरह के पैकेजिंग के साथ आती है, जो भी लिपस्टिक का कलर है वो आपको बाहर मिल जाएगा। लाइक इसका रेड है, इसका थोड़ा सा न्यूड शेड में है, इसका थोड़ा सा पर्पल टोन में है, इसका फ्यूशिया टोन में है। तो गाइस इसकी खास बात हो जाती है और आप सबको पता है ये 2 मेरी फेवरेट शेड है। इस तरह की शेड्स मुझे काफ़ी पसंद है और मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को आजकल ये शेड मुझ पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो मैंने सोचा यार मुझे पसंद नहीं है कुछ नहीं होता, मुझे ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। तो ये मैंने स्पेशली आप सबके लिए मंगाई है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट है ये। तो ये 4 शेड्स मैंने मंगाई है। इस तरह की पैकेजिंग के साथ हमें ये मिलती है, लाइक जिस तरह से स्केच पेन वगैरह आते हैं उस तरह से। एंड हम शुरुआत करते हैं 02 शेड से। मेरे पास है शेड नंबर 02, 04, 08 एंड 39। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 02 से, जो कि है स्वीट गर्ल शेड। तो गाइस अगेन यहाँ पर इसकी बेटर चीज़ है कि यहाँ पर आपको शेड मिल जाएगी। इस साइड यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्ट्रोज प्रोफेशनल मेकअप एंड इसे आप हल्का सा घुमाओगे तो यहाँ पर हमारी शेड मेंशन है। देन इसके बाद इस तरह की 2-in-1 पैकेजिंग के साथ आती है। यहाँ से दिखाना आपको बिल्कुल पेन जैसी ही पैकेजिंग है। तो आप इसे ट्विस्ट करोगे इस तरीके से तो ये आपको लिप लाइनर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतना आपको इसमें लिप लाइनर मिल रहा है, ऐसे इस तरह से है। बैक साइड से आपको जिस तरह से लिपस्टिक आती है तो गाइस इस तरह से हमें लिपस्टिक मिलती है। और मैं आप सबके साथ इसके स्वॉचेस भी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस ये है इसकी पेंसिल जो लिप लाइनर है। सो लिप लाइनर की हेल्प से आप कुछ इस तरह से लाइन क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम लिप्स की आउटलाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है शेड। मैंने हल्की सी लिप लाइनर की, एक हल्की सी मैंने इसकी शेड ट्राई की है। देन इसके बाद बैक साइड से आपको लिपस्टिक मिल जाएगी। तो इसको भी मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। सो ये है शेड नंबर 02 स्वीट गर्ल। देन इसके बाद ये है शेड नंबर 04। तो गाइस इसका नाम है रूबी लश। तो ये मुझे अगेन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सेम इसमें भी आपको एक साइड लिप लाइनर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे ट्विस्ट करके ओपन कर सकते हो और इसकी भी शेड अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सो बैक साइड से जो इसका शेड है ये कुछ इस तरह से है और अगेन ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो इसे भी मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने से पता लग गई होगी, जैसे शेड बाहर मेंशन है लाइक यहाँ पर मेंशन है सेम वैसे ही शेड है ये। तो ये है शेड नंबर 04 रूबी लश। देन नेक्स्ट है 08 फ्लेम शेड। अगेन इसमें एक साइड आपको लिप लाइनर मिलेगा और दूसरी साइड आपको लिपस्टिक मिलेगी। सो गाइस अगेन ये शेड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये थोड़ा सा ऑरेंज रेड टोन है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर आपका फेयर टोन है तो। सो नेक्स्ट शेड है 39 एंड ये है मोस्ट शेड। तो गाइस मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं कुछ भी कहीं से भी खरीद लूँ मुझे इस तरह की शेड बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो गाइस ये परफेक्टली न्यूड शेड है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और बैक साइड से भी आपको इसमें लिप लाइनर मिल जाएगा। तो ये 2-in-1 लिपस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है और
और अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे परचेज करने में तो बैंक लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो इसे भी मैं ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है. सो लास्ट है ये न्यू शेड और अगर आप इंटरेस्टेड हो इन लिपस्टिक को परचेज करने में तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड है और चारों ही शेड जो मैंने पूरा डिसाइड करके कि मैं कन्फ्यूज थी कि कौन सी शेड इसकी कैसी लगेगी और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी यार ये लूँ. आप सबके साथ भी होता होगा ना ऐसा कि हम कोई चीज़ जिस पे हम पैसे स्पेंड करने वाले हैं तो उसके बारे में तो ये मान लो कि हमारा पूरा दिन उस चीज़ पे हमारा माइंड अटका रहता है, हमारा डिस्कशन चलता रहता है कि यार ये लूँ वो लूँ कौन सी लूँ. तो फाइनली मैंने ये चार शेड्स चूज़ की थी और मुझे चारों की चारों शेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. तो गाइस जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ मुझे ये शेड मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो ये मेरे बैग में ऑलवेज रहती है और मुझे रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा ब्राइट तड़क भड़क वाले कलर लगाना पसंद नहीं है. किसी ओकेजन पे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन नॉर्मली लगाना पसंद नहीं है. और ये दोनों मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए या फिर कोई ओकेजन है तब ट्राई करने के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. तो अब बात आती है कि ये किस फॉर्म में आते हैं. तो गाइस ये क्रीमी फॉर्म में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको देखने से पता लग रहा होगा क्रीमी बेस में है. आपके लिप्स को हल्का सा मॉइस्चर भी देंगे, इससे आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहेंगे. जैसे होता है ना, मैंने अभी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है, इससे पहले हम लिप बाम लगाते हैं पर ये लिपस्टिक लगाने से पहले आपको लिप बाम लगाने की जरूरत नहीं है. तो कुछ इस तरह से है ये लिपस्टिक. तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो. आई रियली होप कि आपको मेरा ये टीनी मिनी सा रिव्यू पसंद आया हो और मेरी ये चारों लिपस्टिक पसंद आई हो और आपको खरीदनी हो तो लिंक्स मैंने आपको बता दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, शेड मैंने चारों की चारों आपको दिखा दी है. ये थी मेरी चारों लिपस्टिक. आई रियली होप कि ये आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू.